हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही एसेंशियल एंड यूजफुल सीरीज जिसका यूज आज के टाइम में ऑलमोस्ट एवरी डेवलपर को पड़ता ही पड़ता है और वो है एंगुलर मटेरियल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसका एक इंट्रोडक्शन और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा इस सीरीज के प्रोजेक्ट का एक क्विक डेमो। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एंगुलर मटेरियल की सीरीज। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि एंगुलर मटेरियल क्या होता है और आप में से कई लोग ऑलरेडी इसको यूज कर भी रहे होंगे, पर जो मैंने एज्यूम किया है ज्यादातर लोग इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं और अपना काम चला रहे हैं। पर एंगुलर मटेरियल में एक्चुअली देखने और यूज करने के लिए काफी कुछ है। तो इस सीरीज में हम देखेंगे एंगुलर मटेरियल के ज्यादा से ज्यादा फीचर्स को ट्राई कर सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने प्रोजेक्ट में। अब जो लोग स्क्रैच से एंगुलर मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए पहला क्वेश्चन है कि एंगुलर मटेरियल क्या है। तो एंगुलर मटेरियल क्या है, एक यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है प्रीबिल्ट एंगुलर कंपोनेंट्स की। लाइक कि इसमें हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें हमें रेडीमेड यूआई मिल जाती है और हम अपना काम जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मार्केट में और भी कई यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी हैं, जैसे कि एक तो है एनजीएक्स बूटस्ट्रैप जो पर्सनली मेरी फेवरेट भी है। तो मैं एनजीएक्स बूटस्ट्रैप से काफी यूज्ड टू हूँ, इसके क्लासेस कंपोनेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब मुझे याद है। पर जब मैंने एंगुलर मटेरियल को यूज किया तो ये पर्सनली मुझे इतना अच्छा लगा, इसके यूआई कंपोनेंट्स काफी यूजफुल हैं और यूआई कंपोनेंट में सिर्फ सीएसएस ही नहीं बल्कि फंक्शनल कंपोनेंट भी एंगुलर मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि एंगुलर मटेरियल का अगर आप ऑटो कंप्लीट देख लो तो वो फुली फंक्शनल कंपोनेंट आपको इनकी साइट पे मिल जाएगा और आप उसको अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, पर्सनली मैंने जब एंगुलर मटेरियल को यूज किया तो उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस इसमें इतना अच्छा रहा कि अब मैं कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करता हूं या स्टार्ट करूंगा तो मैं एनजीएक्स बूटस्ट्रैप की जगह एंगुलर मटेरियल को यूज करना प्रेफर करूंगा। हालांकि एनजीएक्स बूटस्ट्रैप भी बहुत यूजफुल है और बहुत अच्छा है, बट मुझे एंगुलर मटेरियल ज्यादा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, एंगुलर मटेरियल बेस्ड है गूगल मटेरियल डिजाइन गाइडलाइन पे। तो ये गूगल का प्रोडक्ट है तो आप सोच सकते हैं कि गूगल ने कितना वर्सेटाइल इसको बनाया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम इसको क्यों यूज करें। तो अब इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि जब भी हम कोई ऐप बनाते हैं या फिर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी यूआई को क्रिएट करना पड़ता है। UI means user interface, जो भी आप ब्राउजर पे देखते हो। तो एक बात तो ये है कि हम सब चीज खुद क्रिएट करें, एक एक बटन का स्टाइल खुद लिखें, सारे कार्ड्स का स्टाइल खुद लिखें, ऑटो कम्प्लीट में सब खुद बनाएं, उसका फंक्शन भी खुद बनाएं, CSS भी खुद बनाएं, लॉजिक भी खुद ही बनाएं और तब अपना काम करें, जिसमें कि हमारा बहुत टाइम जाएगा ये सब UI और कंपोनेंट को बनाने में। और दूसरा तरीका ये है कि हम कोई UI फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी को यूज कर लें तो जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, हमें चीजें स्क्रैच से नहीं क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमें ऑलरेडी क्रिएटेड यूआई मिल जाएगी, हमें सिर्फ उठाना है और अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज करना है। तो एंगुलर मटेरियल में भी कुछ ऐसा ही है, हमें बने बनाए यूआई कंपोनेंट मिल जाते हैं, हमें सिर्फ वहां से उसका कोड कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में लगाना है, तो जिससे हमारा काम क्विकली और इजिली स्टार्ट हो जाएगा। हमारा यूआई बनाने में जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंट होगा वो हमारा सेव हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एंगुलर मटेरियल के कुछ कंपोनेंट्स, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो प्रोजेक्ट जो मैंने इस सीरीज के लिए क्रिएट किया है। तो हम आ गए हैं एंगुलर मटेरियल की ऑफिशियल साइट पे। अब हम जाते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, हमें सिर्फ उनको यूज करना है। अब जैसे ये ऑटो कंप्लीट है, हम एग्जाम्पल में देखेंगे ऑटो कंप्लीट में, आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमें सजेशंस यहाँ पे मिल गई 1, 2 या 3, हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा।
मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, एस से लिखता हूँ तो ये एस से जो वर्ड है वो आ गया, तो ये है ऑटो कम्प्लीट। इसके अलावा बैजेस, या बैजेस देखते हैं कि नोटिफिकेशन की बेल में जैसे ये बैजेस वगैरह यूज होते हैं, तो उसका भी ये इन्होंने कंपोनेंट बनाया हुआ है, बॉटम शीट। तो ये बॉटम शीट कंपोनेंट है। ये ज्यादातर आपने तब देखा होगा जब आप यूट्यूब की ऐप पे किसी वीडियो को सेव करते हैं अपनी प्लेलिस्ट में, तो इस टाइप की एक बॉटम शीट आपको वहां पे शो होती है। यहाँ पे इन्होंने बटन्स का भी स्टाइल दिया हुआ है, ये बेसिक बटन्स इस टाइप के दिखते हैं, रेज्ड बटन। रेज्ड बटन पे क्या होता है, हम जब क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा शेडो आती है और अंदर रिपल होता है, अंदर रिपल तो सब बटन में होता है खैर। और ये स्ट्रोक बटन है, इसमें खाली स्ट्रोक है मतलब आउटलाइन बॉर्डर। और ये फ्लैट बटन है, इसमें कोई शेडो वगैरह नहीं है। आइकन बटन, फैब, मिनी फैब, तो इनको आपको यूज कैसे करना है, आप यहाँ पे व्यू कोड में जाएंगे और आपको इनका सारा कोड मिल जाएगा, ये आप कॉपी करिए और अपने प्रोजेक्ट में यूज करिए। अगर आपको देखना है इसमें कोई TS कोड, कोई टाइपस्क्रिप्ट का कोड यूज हो रहा है, तो वो आप इस टैब में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कोड यूज नहीं हो रहा। CSS अगर कोई इन्होंने एक्स्ट्रा यूज कर रखी है तो वो आपको इस टैब में मिल जाएगी। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो इनकी साइट से आप सारी UI अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। HTML टैब में आपको मिल जाएगा HTML, TS में TS कोड और CSS में CSS कोड, अगर कोई यूज हो रहा होगा तो। ये है बटन टॉगल, आपने देखा होगा कई साइट में इस टाइप के टॉगल बटन होते हैं कि तीन चीजों में से अगर हमें कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, या फिर चार चीजें हैं, कितनी भी चीजें हैं उनमें से अगर कोई एक चीज हमें सिलेक्ट करनी है तो हम वहां ये यूज कर सकते हैं चाहे तो। कि जैसे मैं एक फॉर्म बनाऊंगा उसमें मैं चाहूंगा कि यूजर सिलेक्ट करे टेक्नोलॉजी, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, तो आप जिस पे भी सिलेक्ट करेंगे तो वो चेक हो जाएगा। और ये है कार्ड्स, हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे इनका एक ही एग्जाम्पल है कार्ड का, पर मैंने अपनी सीरीज में काफी एग्जाम्पल बनाए हैं कार्ड्स के, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। चेक बॉक्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे चेक बॉक्स का भी स्टाइल थोड़ा अलग है। हमारे जो डिफॉल्ट चेक बॉक्स आते हैं वो कुछ ज्यादा ही सिंपल होते हैं, पर यहाँ पे उनको अच्छे से स्टाइल किया हुआ है। ये है चिप्स, इसका आप यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट डालने में, जैसा मैं डालूंगा UX ट्रेंड और एंगुलर, मतलब जहां जहां हमें इस टाइप की UI चाहिए होती है कि हमें टैग्स वगैरह डालने हैं। जैसे मैं YouTube स्टूडियो में जब भी अपनी वीडियो कोई अपलोड करता हूं नई, तो वहां पे मैं टैग्स डालता हूं, तो वहां पे मैं डालता हूं UX Trend, लर्न विद अनूप, एंगुलर, एंगुलर 9, एंगुलर 10, एंगुलर 12, तो इस टाइप से वहां पे हमें UI मिलती है देखने को। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं एंगुलर मटेरियल कैसा दिखता है, तो आप अगर यूट्यूब स्टूडियो पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको एंगुलर मटेरियल मिल जाएगा, मतलब YouTube स्टूडियो जो है वो बनाया गया है एंगुलर मटेरियल में। और दूसरा अगर आप गूगल फॉन्ट देखेंगे तो ये भी एंगुलर मटेरियल की ही UI है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्ड्स हैं, ये मटेरियल के टैब्स हैं, ये साइड नेव। और अगर आपको अपनी साइट पे कोई डेट पिकर लगाना है तो आपको डेट पिकर के एग्जाम्पल भी यहां से मिल जाएंगे। तो डेट पिकर के लिए भी आपको कोई अलग से लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको एंगुलर मटेरियल में मिल जाएगा। तो इसीलिए हम एंगुलर मटेरियल को यूज करते हैं कि मोस्ट ऑफ UI कंपोनेंट हमें इसमें मिल जाते हैं, कोई एक दो ही ऐसे होते हैं जो हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये डायलॉग है, अगर आप कोई डायलॉग दिखाना चाहते हैं अपनी साइट पे तो उसका भी यहाँ पे कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये स्नेक बार है, आपने देखा होगा अगर आप जीमेल में कोई मेल डिलीट करते हैं तो आपको एक स्नेक बार शो होता है और यहाँ पे एक अंडू का बटन आता है, अगर आप अंडू दबा देते हैं तो वो डिलीटेड मेल वापस आ जाता है, तो वहां पे ये यूज होता है। ये है स्टेपर, अगर आपको कोई चीज मल्टी स्टेप में दिखानी है तो आप स्टेपर यूज कर सकते हैं। ये है वर्टिकल स्टेपर, ये है हॉरिजॉन्टल स्टेपर, ये है टैब्स,
ये है टूल बार। टूल बार ये होता है जो आप ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे लिखा है एंगुलर मटेरियल, कंपोनेंट्स का बटन है सीडी के राइट में गिटहब, तो इसको हम कहते हैं टूल बार। तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब अगर आप कोई भी ऐप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऐप की यूआई में स्टार्ट से एंड तक जो जो आपको चाहिए मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से 10% ही ऐसा काम होगा जो आपको कस्टम करना पड़ेगा, या फिर अगर आप अपने डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर्स हैं तो शायद आपका एफर्ट 10-20% या 30% भी लग सकता है। बट अगर आप नॉर्मल एंगुलर मटेरियल को यूज करेंगे तो आपका डिजाइन एफर्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और दोस्तों एक इसका सबसे जो बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है वो है इसका थीम चेंज। यहाँ पे आप देख रहे हैं थीम चेंज हो रही है, तो इसमें हम थीम चेंज भी कर सकते हैं। हम लाइट मोड रख सकते हैं, डार्क मोड रख सकते हैं, तो जो कि डार्क मोड मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी इंक्लूड किया है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे डार्क मोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। और दोस्तों एक और फीचर जो मुझे एंगुलर मटेरियल का बहुत अच्छा लगता है वो है इसका ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर। हम अगर CDK में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर। ये क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है कि हमारी स्क्रीन का साइज क्या है। हम डेस्कटॉप पे हैं, मोबाइल में हैं, टैबलेट पे हैं, हमारा व्यू पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है, तो सब ये डिटेक्ट कर सकता है। अगर आपकी कोई ऐसी ऐप है जो आपको पोर्ट्रेट व्यू में दिखानी है, लैंडस्केप व्यू में नहीं दिखानी, तो आप इसको यूज करके वो काम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हम देख रहे थे एंगुलर मटेरियल की साइट पे उसके कंपोनेंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूं वो प्रोजेक्ट जो मैंने इस सीरीज के लिए क्रिएट किया है। तो दोस्तों ये है वो प्रोजेक्ट जो मैंने इस सीरीज के लिए क्रिएट किया है। इसमें मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा यूआई कंपोनेंट को इंक्लूड करने की। ऑलमोस्ट सभी चीजें इसमें मैंने कवर करी है। तो सबसे पहले तो मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है एंगुलर मटेरियल में। तो उससे क्या हुआ, एंगुलर मटेरियल में बनाने की वजह से इसमें मेरा डिजाइन एफर्ट CSS एफर्ट लगा है बहुत कम, 10% आप मान सकते हैं। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं टूल बार है, ये आपको मिल जाएगा एंगुलर मटेरियल के टूल बार में। और आपने देखा जैसे ही मैंने उस कार्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक साइड नेव भी ओपन हो गई। तो आप देखेंगे साइड नेव देखने में कितनी अच्छी लग रही है, इसका डिजाइन भी कितना अच्छा है। तो इसको भी आप बना सकते हैं एंगुलर मटेरियल की साइड नेव से। और इसमें मैंने इंक्लूड किया है कार्ड्स। तो कार्ड्स जैसा मैंने आपको बताया था कि एंगुलर मटेरियल में तो आपको एक ही कार्ड मिलता है देखने के लिए, बट यहाँ पे मैंने कई टाइप के आपको कार्ड्स के एग्जांपल बना के दिखाए हैं, ताकि आपको भी ये देख के समझ आए कि हम इन चीजों को और किस टाइप से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि कार्ड क्या होता है। कार्ड होता है एक यूआई का एक ब्लॉक जिसमें हम कुछ कंटेंट रख के उसको शो कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। और ये बटन्स वगैरह हैं, सबके एग्जांपल मैंने अपनी ऐप में क्रिएट किए हैं, टेबल्स। तो अगर आप मटेरियल की साइड पे देखेंगे तो आपको बड़ी सिंपल टेबल मिलेंगी, बट यहाँ पे मैंने टेबल को कुछ अपने अकॉर्डिंग स्टाइलिश बनाने की कोशिश करी है। और है साइड नेव। साइड नेव मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, जो मैंने इस प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट करी है, ये है साइड नेव। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम शीट का एग्जाम्पल भी मैंने रखा है। हम अगर शेयर पे क्लिक करते हैं तो ऐसा आपने कई जगह देखा होगा कि नीचे से एक बॉटम शीट ओपन होती है। और मैं अगर किसी पे क्लिक कर दूंगा, मैं अगर फेसबुक पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन शो हुआ, इसको कहते हैं स्नैक बार। मैं व्हाट्सएप वाले पे क्लिक करता हूं तो यहाँ शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप, ऐसा आपको जीमेल में भी मिलता है। तो वो स्नैक बार मैंने अलग से यहाँ पे बनाए भी हैं। ये तो मटेरियल के डिफॉल्ट स्नैक बार है, और यहाँ पे मैंने ट्राई किया है मटेरियल के स्नैक बार को अपने अकॉर्डिंग कुछ डिजाइन चेंज करने का। तो आप देखेंगे इसका डिजाइन थोड़ा मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है। तो ये सब काम आप भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग। और दोस्तों एक अगर आप डायलॉग देखेंगे तो डायलॉग में भी मैंने यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल बनाए हैं। ये तो कुछ एंगुलर मटेरियल के ही है, और इन डायलॉग में मैंने कुछ अपने एग्जाम्पल भी इंक्लूड किए हैं, जैसे डायलॉग विद प्रॉम्प्ट। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज को डिलीट करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पहले हमें कंफर्मेशन की जरूरत होती है, तो वहां पे हम एक डायलॉग बनाते हैं। तो इस डायलॉग को या तो आप कस्टम बनाएंगे, बट एंगुलर मटेरियल में ये आपको एक ऑलरेडी क्रिएटेड कंपोनेंट मिलता है जो कि है मैट डायलॉग।
तो उसको आप यूज करेंगे तो आप बहुत इजीली इस टाइप की यूआई अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर पाएंगे। मैं अगर कर दूंगा यहाँ पे कंफर्म, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है कि मैंने क्या कंफर्म किया। मैं अगर कर दूंगा यहाँ पे नो थैंक्स, तो यहाँ पे नो थैंक्स आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, आर यू डन, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, और अगर मैं ओपन प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने वहां लिखा था वो अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों तरफ से डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारे मेन कंपोनेंट से डायलॉग वाले कंपोनेंट में, और डायलॉग में हम अगर कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे कंफर्म जा रहा है, तो डायलॉग कंपोनेंट से डेटा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से डायलॉग में भी जा रहा है। अब इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, आपको कोई लिस्ट डिलीट करनी है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं कि डिलीट दिस मेंबर, ओके तो ये डिलीट हो गया। आपको कोई एक्टिव या इनएक्टिव करना है तो वहां भी आप इसको कर सकते हैं, तो ये इनएक्टिव हो गया। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक बहुत अच्छा फीचर, जो कि है ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर। इसमें क्या होता है, ये ऑब्जर्व करता है कि हमारी ऐप किस व्यू में ओपन है या फिर किस डिवाइस में ओपन है, वो लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, मोबाइल में है, हैंडसेट में है, टैबलेट में है, कहाँ ओपन है, तो वो सब हमें यहाँ पे गेट हो जाता है। अब इसका एक क्विकली एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है। आपने कई सारी ऐप देखी होंगी जो सिर्फ लैंडस्केप व्यू में चलती हैं, और जब हम पोर्ट्रेट व्यू में आते हैं तो वहां पे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि प्लीज रोटेट योर डिवाइस। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट या फिर कोई एप्लीकेशन मोबाइल में ओपन करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो यूजर है उसको सिर्फ लैंडस्केप मोड में देखे, पोर्ट्रेट व्यू में आते ही उसको कुछ ऐसा नोटिफिकेशन मिले कि वो अपना मोबाइल रोटेट कर ले, तो वो आप इसके थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी स्क्रीन को छोटा करता हूँ, तो आपने देखा अब जैसे ही ये पोर्ट्रेट व्यू में स्क्रीन आई हमारी, तो यहाँ पे हमें क्या शो होने लग गया, प्लीज रोटेट योर डिवाइस। मैं अगर ये बड़ा कर दूंगा, अब यहाँ पे लैंडस्केप व्यू में है तो वो गायब हो गया, जैसे ये पोर्ट्रेट व्यू में आएगा तो ये हमें शो होने लग जाएगा। तो ये इसका एक मुझे बेस्ट एग्जाम्पल लगा, तो मैंने इसको क्रिएट किया। अब दोस्तों मैं अब दिखाता हूँ आपको एक और बहुत अच्छा फीचर, जो कि है इसकी थीम चेंज करना, जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में और इस सीरीज में भी इंक्लूड किया है। तो हम इस ऐप को दो व्यू में देखेंगे, एक तो लाइट मोड में जो कि डिफॉल्ट है, और एक डार्क मोड में भी। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब ये हमारी ऐप हो गई है डार्क मोड में। तो अब हमें सब यहाँ पे दिख रहा है डार्क मोड में। मैं कार्ड्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप सारे कार्ड्स देखेंगे, ये सारे हमें डार्क मोड में दिख रहे हैं, ये सब हमें डार्क मोड में दिख रहे हैं। टेबल्स, तो इस तरह से हम डार्क मोड और लाइट मोड ये दोनों इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो। तो दोस्तों ये तो एक क्विक डेमो था हमारे प्रोजेक्ट का, कि हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इसको एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। और दोस्तों एंगुलर मटेरियल के साथ एक बोनस चीज भी मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है, जो मैं आपको शो करूंगा अपने आने वाली किसी वीडियो में। और वो क्या है कि मैंने एक जीमेल क्लोन ऐप बनाई है एंगुलर मटेरियल को यूज करके। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फिलहाल एक उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, बट इसको मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में दिखा दूंगा। और इसमें भी मैंने डार्क मोड और लाइट मोड दोनों रखा है, ये आप देख सकते हैं ये डार्क मोड है और ये है लाइट मोड। तो इसकी यूआई को मैंने पूरा क्रिएट किया है एंगुलर मटेरियल की हेल्प से। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसका एक क्विक लुक ही दे सकता हूँ, पर इसकी एक पूरी वीडियो बना के मैं बहुत जल्दी आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये था एंगुलर मटेरियल का इंट्रोडक्शन और हमारे प्रोजेक्ट का एक क्विक डेमो। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो से हम इस पे एक्चुअली में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।